हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करते हैं कंटिन्यू अपना लोकेशन ऑफ रूट्स पे। तो उसमें हमने दो केस पढ़ लिए थे, तो पहले एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्या था, और उसके बाद फिर हम नए केसेस पढ़ेंगे। तो देखो पहला केस क्या था हमारा, देखो क्या लिखा था मैंने केस वन में, के इज लाइन बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स। तो इसके लिए मेरा सिनेरियो कैसा था, जैसे मान लो ये मेरा पैराबोला है, तो अगर ये मेरा रूट अल्फा है और ये मेरा अगर बीटा है, तो के इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो के विल बी लेट्स से हियर, के सम कांस्टेंट, लेट्स से 2 बोल दिया मैंने। तो इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी, ए इनटू एफ ऑफ के दैट शुड बी नेगेटिव, वेयर ए इज माय व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक, एंड के क्या है, जो भी वो बोलेगा, लेट्स से 2 बोला, उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेट्स से सबसे पहले उसने क्वाड्रेटिक लिया, उसके अंदर कोई पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट्स से लैम्डा, ठीक है, और फिर बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट 2 इज लाइंग बिटवीन द रूट्स। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है इस प्रकार कि 2 रूट्स के बीच में आए, तो क्या करेंगे हम, k की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, और a मेरा उस क्वाड्रेटिक का x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक लैम्डा में इनइक्वालिटी बनेगी, मतलब लैम्डा की हमें रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा मिल जाएंगी, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक का जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के लिए जो k होगा वो बिटवीन द रूट्स आएगा। क्लियर है? अच्छा, और फिर हमने केस 2 देखा था, क्या लिखा था केस 2, कि एग्जैक्टली 1 रूट इज लाइंग बिटवीन के 1 एंड के 2। तो लिख लेते हैं इधर, एग्जैक्टली 1 रूट इज लाइंग बिटवीन के 1 एंड के 2, ठीक है। इसके लिए सिनेरियो क्या था हमारा, लेट्स से ये मेरा के 1 है और लेट्स से ये मेरा के 2 है, तो एग्जैक्टली एक रूट आना चाहिए। तो अपवर्ड पैराबोला के करस्पॉन्डिंग 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये मेरा एक रूट आ गया, या फिर लेट्स से ये, तो एक रूट इसमें आ गया हमारा, एग्जैक्टली एक ही रूट आया दोनों कंडीशन, या फिर इस डाउनवर्ड में हो जाएगा, तो डाउनवर्ड के लिए लेट्स से ये मेरा के 1 है, ये मेरा के 2 है, मैंने क्या बोला एग्जैक्टली एक रूट आना चाहिए, तो या तो पैराबोला ऐसा होगा या फिर ऐसा कुछ तो होगा, और दोनों ही केस में यू कैन सी एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है के 1 के 2 के बीच में। तो इसमें हमारी कंडीशन क्या थी, इसमें कंडीशन थी हमारी एफ ऑफ के 1 into f of k2 that should be less than 0। इस inequality को solve करेंगे और जो भी parameter दिया होगा उसके corresponding हमें उसकी range मिल जाएगी, उसमें inequality मिलेगा और inequality को solve करके हमें उस parameter की values मिल जाएंगी। तो इतना हमने last class में देखा था और इसके basis पे 2-3 illustration भी लिए थे। अब हम move करते हैं हमारे case 3 की तरफ, which is very very important। मतलब अभी ये तो क्या है, ये दो जो case थे they are more or less similar to the जो हमने उधर साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, बट अब जो केस पढ़ने वाले हैं केस 3, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो ध्यान देना बच्चों, और जैसा कि मैंने बोला ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। चलो तो देखना, मैंने क्या लिया केस 3, के इज ग्रेटर, के इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, बोथ द रूट्स, के क्या है हमारा दोनों रूट से बड़ा है। तो लेट्स से दिस इज माय पैराबोला और ये मेरा पहला रूट अल्फा जहां पैराबोला ने कट किया, और ये लेट्स से बीटा है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मेरा जो के होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन अल्फा एंड बीटा, दैट मींस वो अल्फा और बीटा के राइट में आना चाहिए, तो इट मस्ट बी समवेयर हियर दिस, ये जो कंडीशन उसके करस्पॉन्डिंग ये पैराबोला है, ठीक है। अब मुझे कंडीशन लिखनी है, देखना ध्यान से, आप कंडीशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या करें हम, क्या कंडीशन लगाएं? तो देखो जैसे इससे पहले वाले केस में जो केस 1 था उसमें हमने देखा था के अगर बिटवीन द रूट्स होता है, तो अगर के बिटवीन द रूट्स होता है तो a इनटू f ऑफ k नेगेटिव होता है। अब एयर k इज आउटसाइड द रूट्स, तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा, a ऑफ k इज ग्रेटर देन 0। देखो लेस देन होता था तो k जो होता था बिटवीन द रूट्स होता था, बट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम k इज आउटसाइड द रूट्स, तो ऑफ कोर्स a ऑफ k क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट अब मैंने तुमसे पूछा कि क्या ये सफिशिएंट है इसके लिए, जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक इट, क्या बोला मैंने दोबारा, दिस कंडीशन इज इट सफिशिएंट टू फिल्टर आउट दिस पैराबोला, क्या इस कंडीशन से हमें केवल ये पैराबोला मिलेगा, नहीं, द आंसर इज नहीं। क्यों नहीं, देखो इसके, क्योंकि ए एफ के हमने साइन ऑफ क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि ए एफ के जो है ग्रेटर देन 0 तीनों केसेस में होता है, तीनों केसेस से मेरा मतलब क्या है, d greater than 0 के लिए भी जब roots real and distinct हो, d less than 0 जब roots imaginary हो, plus d equals to 0 के लिए भी af के greater than 0 होता है। बट इधर तो मेरे roots आ रहे हैं, क्योंकि जब उसने बोला है k is greater than both the roots, that means कि roots are real
एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब दिस अलोन इज नॉट सफिशिएंट, क्यों? जैसे मैंने बोला कि ये वाला जो पैराबोला है, देखना भी जो मैं बना रहा हूं, लेट्स से दिस इज के समवेयर हियर, तो ये वाली कंडीशन तो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि देखो एफ ऑफ के क्या है, पॉजिटिव होगा, और ए मेरा क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, पॉजिटिव है, सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग दिस ऑल्सो, बट आई वॉन्ट दिस ओनली, तो इसको रिमूव करना है मुझे। अब दिख रहा है इसको रिमूव कैसे कर सकता हूं, इसका रूट क्या है, इमेजिनरी है, तो अगर मैं इसके साथ साथ एक और कंडीशन लगा दूं कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखना मैंने क्या लगाया, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इससे क्या हुआ मेरा, ये केस हट गया, अब ये आ गया, क्लियर है बच्चों? एक बार और देखो क्या हो रहा है कि हमने सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारा रिक्वायर्ड पैराबोला बनाया, अब मुझे क्या करना है, माय टारगेट इज कि इस रिक्वायर्ड पैराबोला के लिए क्या कंडीशन लगाऊं, सो दैट केवल यही सिलेक्ट हो, बाकी कुछ सिलेक्ट ना हो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लगाया k इज आउटसाइड द रूट्स, देयरफॉर af k इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इनसाइड के लिए लेस देन 0 होता है, बट उससे मुझे पता चला कि ये वाली कंडीशन तो इस पैराबोला को भी सेटिस्फाई कर रही है, बट आई डोंट वांट दिस पैराबोला बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बोथ रूट्स आर रियल, तो ये इसको फिल्टर आउट करना है, मुझे भगाना है, तो क्या कंडीशन लगाऊं मैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हट जाएगा बिकॉज इसमें तो d लेस देन 0 है ना, क्योंकि पैराबोला इज टोटली अबव x एक्सिस, तो ये कंडीशन मेरी हट गई, ठीक है। सो दिस इज माय सेकंड कंडीशन। अब मैंने तुमसे पूछा कि क्या ये दोनों सफिशिएंट है, क्या ये दोनों सफिशिएंट है टू गेट दिस पैराबोला, जस्ट थिंक इट वंस, वीडियो पॉज करके सोचो, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला क्या ये पैराबोला, ये दो कंडीशन इस पैराबोला को सिलेक्ट करने के लिए सफिशिएंट है, कि इसके साथ कुछ और भी सिलेक्ट हो जाएगा और जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो आंसर मिलेगा नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। द रीजन इज, देखो मैं एक और पैराबोला बना रहा हूं जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, बट जो हमारा स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो क्या है, मैंने बोला ये ले लिया अल्फा, ये ले लिया बीटा, और इधर मैंने के ले लिया, तो देखो ए एफ के ग्रेटर देन 0 है क्योंकि के आउटसाइड द रूट्स है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है, एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, रियल रूट्स आ रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशन इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, क्लियर है। बट इसमें तो क्या है, के इज लेस देन बोथ द रूट्स है, और हमें तो दिया है के इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो इसका मतलब मुझे इसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, इस क्या कंडीशन ऐसी लगाऊं, आप सोचना पड़ेगा कि ये बाहर चला जाए और ये केवल रह जाए हमारे पास। तो अब देखो किसकी हेल्प लूं मैं, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड आई यूज, वीडियो पॉज करके एक बार तुम लोग सोचो, अब मैं बता रहा हूं, देखना, आई विल टेक हेल्प ऑफ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि मुझे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पता है कितना होता है, माइनस बी बाय टू ए होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाय टू ए कॉमा वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस डी बाय फोर ए, ये मैंने बताया था इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली हियर ऑल्सो माई एक्स कोऑर्डिनेट इज माइनस बी बाय टू ए एंड दिस इज माइनस डी बाय फोर ए, ठीक है। अब मैं क्या हेल्प ले रहा हूं, मुझे अब फोकस करो कि ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले केवल ये यही दो पैराबोला है। अब मैं ऐसा क्या कंडीशन लगाऊं कि ये वाला मेरे पास सिलेक्ट हो जाए, तो देखो अगर अब मुझे पता है वर्टिकल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, तो इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का, दैट इज माइनस बी बाय टू ए। सिमिलरली हियर ऑल्सो दिस कोऑर्डिनेट इज माइनस बी बाय टू ए, क्लियर है। अब देखो क्या हो रहा है, अब मैं मुझे इसको फिल्टर आउट करना है, तो कैसे लगाऊं, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, के जो है के इज ग्रेटर देन वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय टू ए। नाउ सी क्या ये फिल्टर आउट हो गया, हाँ हो गया, ये वाला फिल्टर आउट हो गया, ये मिल गया हमें, क्यों, क्योंकि k ग्रेटर देन b बाय माइनस बी बाय टू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसके लिए तो k क्या है, माइनस बी बाय टू के लेफ्ट में है ना, छोटा है, hence ये तीन कंडीशन से मेरा फिल्टर आउट हो गया, केवल यही पैराबोला आया, ये नहीं आया, hence दिस आर द थ्री कंडीशन फॉर दिस पर्टिकुलर केस। समझ में आया एक एक करके कैसे किया हमने, हमें क्या करना है, देखो दोबारा एक बार स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला हमें चाहिए था k is greater than both the roots, तो उसके लिए डायग्राम इज दिस इज फेवरेबल डायग्राम, ये ले लो या फिर डाउनवर्ड पैराबोला ले लो, दोनों चलेगा, ठीक है ना। फिर मैंने बोला कि k inside the roots होता था तो ask less than zero होता था according to the case one, अब according to this diagram k is outside the roots तो पक्का ask greater than zero होगा, बट फिर मैंने बोला ask alone is not sufficient, the reason is because अगर हमने d negative वाला केस लिया, that is जो पैराबोला पूरा अबव एक्स एक्सिस लिया, उसके लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा ए एफ के ग्रेटर देन जीरो, बट जबकि मुझे वो तो चाहिए नहीं, तो मुझे उसको फिल्टर आउट करने के लिए मैंने क्या किया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इससे क्या हो गया, मेरे रियल रूट्स आ गए, ठीक है, तो इससे वाला केस हट गया जो पैराबोला पूरा अबव एक्स एक्सिस बन रहा था। फिर मैंने पूछा क्या ये दोनों कंडीशन सफिशियंट है इसको फिल्टर आउट करने के लिए, तो फिर मैंने सोचा एक और पैराबोला बनाया, ये जो पैराबोला नीचे बनाया है दिस इज सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशंस, तो इसका मतलब ये दो कंडीशन पे ये दोनों पैराबोला आ रहे हैं हमारे,
बट अगेन मुझे केवल ये वाला पैरा बोला चाहिए, इसको फिल्टर आउट करना है, इसको हटाना है, तो क्या कंडीशन लगाऊं, जो k है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस बी बाय 2, इससे क्या होगा मेरा केवल यही वाला पैराबोला सिलेक्ट होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो दिस इज माय केस थर्ड, कि हम केस थर्ड में क्या लेंगे, k is, if k is greater than both the roots, then afk greater than 0, d greater than equals to 0 and k is greater than minus b by 2a. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री, फाइनल आंसर इज, फाइनल आंसर विल बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, केस फोर्थ भी ऑलमोस्ट सेम है ना, बस इधर क्या हो जाएगा, ग्रेटर की जगह हमारा स्मॉलर हो जाएगा। तो पहला काम क्या करो, तुम लोग इसको कॉपी करो अच्छे से, वीडियो पॉज करके, और मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला कि केस इधर मैं चेंज कर रहा हूं, यू हैव टू राइट इन अ सेपरेट, दैट इज केस फोर्थ, दिस इज माई केस फोर्थ, केस लेसर या स्मॉलर, लेसर देन बोथ द रूट्स। अब क्या होगा मेरा, अब इससे पहले मैंने एक्सप्लेनेशन जो दिया था उसमें जो सेकंड पैराबोला बनाया था दैट इज फेवरेबल, देखो बना के मैंने बोला पहले ये पैराबोला है, लेट से दो जगह कट किया, एक रूट अल्फा हो गया, एक रूट बीटा हो गया। अब उसने बोला के इज लेस देन बोथ द रूट्स, तो अल्फा और बीटा के लेफ्ट में आएगा मेरा के, तो के विल बी समवेयर हियर। तो अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, पहला क्या करेंगे हम, केस थर्ड और केस फोर ऑलमोस्ट सेम है, बस एक कंडीशन चेंज हो जाएगी, बस ये तो ग्रेटर देन जीरो रहेगा ही, क्यों, क्योंकि केस जो क्या बोलते केस आउटसाइड द रूट्स। फिर मैंने बोला दिस अलोन इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज ये वाली तो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है इस पैराबोला को, बिकॉज ए एफ के ग्रेटर देन जीरो इसके लिए भी, तो इसका मतलब इसको फिल्टर आउट करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये तो फिल्टर आउट हो गया। फिर मैंने बोला दिस अलोन इज नॉट सफिशिएंट, द रीजन इज ये अगर मेरा के इधर लाई कर रहा है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये वाली जो दो कंडीशन है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, अभी देख लो ए एफ के ग्रेटर देन जीरो बिकॉज के आउटसाइड द रूट्स है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बिकॉज रूट्स रियल है, पैराबोला दो जगह रियल एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब दिस अलोन इज नॉट सफिशिएंट। तो अगेन क्या हेल्प लूंगा मैं, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट इज माइनस बी बाय टू ए, वो बड़ा होगा अल्फा से, सॉरी माइनस बी बाय टू ए जो है वो के से छोटा होगा, तो क्या लिखा है इधर के इज, अच्छा मुझे हाँ एक मिनट, मुझे ये वाला लिखना है ना, सॉरी ये वाला लिखना है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाय टू ए दैट इज ग्रेटर देन के, या फिर ऐसे बोल दो k is less than minus b by 2a, क्या लिखा k is less than minus b by 2a। अब ये तीनों कंडीशन सफिशिएंट है इस पैराबोला को सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसके लिए तो क्या k greater है ना, तो हम लगा रहा है k less than, तो ये भी फिल्टर आउट हो गया, hence these are the three conditions for this particular parabola। क्लियर हुआ बच्चों, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब इसके बेसिस पर मेरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, तो और क्लियरिटी आ जाएगी हमारी, ठीक है। चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अगेन ट्रस्ट मी, एक लेक्चर में लूंगा इसमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, बच्चों का रिक्वेस्ट भी, एक दो बच्चों को मैसेज आया था कि सर प्लीज टेक सम एडवांस लेवल क्वेश्चन एट द लास्ट ऑफ चैप्टर, तो हमारा ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा मान लो, तो आज और कल दो दिन और चलेगा, उसके बाद परसों एक काम करूंगा मैं, जो भी मुझे अच्छे लगते हैं क्वेश्चन एडवांस लेवल के वो एक क्लास पूरा उसके ऊपर ले लूंगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन लिखो, देखना, फाइंड स्मॉल a इफ बोथ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो आर नेगेटिव। तो एक बार खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, इफ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, मैं इसको डिस्कस करता हूं, सुनना ध्यान से। अब देखो अभी जो हमने केस पढ़ा उसकी लैंग्वेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हमने ऐसा केस तो कभी नहीं पढ़ा कि दोनों रूट नेगेटिव हो, तो मैंने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे उसका मैथमेटिकल इक्विवेलेंट लिखेंगे, फिर देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस केस में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली तो वो क्वेश्चन देगा नहीं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट बोथ द रूट्स आर लेस देन 2 या फिर बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, वो तो डायरेक्टली केस का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन कब बनेंगे, थोड़ा वो इनडायरेक्ट देगा, अब मुझे इससे इंटरप्रेट करना पड़ेगा ये किस केस की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा। तो देखते हैं, इसने बोला बोथ द रूट्स आर ग्रेटर आर नेगेटिव, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, तो यू कैन सी कि बोथ द रूट्स नेगेटिव है, तो लेट्स से ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है,
तो दोनों रूट नेगेटिव है, इसका मतलब यही पैराबोला बनेगा मेरा ये, या फिर इसका जस्ट अपोजिट डाउनवर्ड। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज माई रिक्वायर्ड पैराबोला। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करूं? तो देखो बोथ रूट आर नेगेटिव दे रखा है, तो देखो नेगेटिव और पॉजिटिव ये कहां डिस्क्रिमिनेट होते हैं, इसकी बाउंड्री लाइन क्या है? जीरो, मतलब जीरो के एक तरफ नेगेटिव होते हैं, जीरो के एक तरफ पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जीरो इज माई बाउंड्री कंडीशन। अब मैं देखूंगा क्या कि ये उसने बोला है दोनों रूट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? दोनों रूट जीरो के लेफ्ट में आएंगे, दिस इज जीरो। अब धीरे धीरे देखो मेरा केस में कन्वर्ट हो गया, ये केस थ्री में क्या है? जीरो, देखना अगर दोनों रूट जीरो के लेफ्ट में आएंगे, देखो एक बार और, दोनों रूट नेगेटिव है, इससे हमने इंटरप्रिटेशन क्या किया? देखो बोथ रूट नेगेटिव, बोथ रूट नेगेटिव, इससे फिर हमने इंटरप्रेट क्या किया? बोथ रूट नेगेटिव, इसका मतलब बोथ रूट लाइंग ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो, बोथ रूट रूट्स लाइंग इन द लेफ्ट ऑफ जीरो, इन द लेफ्ट ऑफ जीरो। फिर इसके फर्दर अब हमारा डायरेक्टली केस में आ जाएगा, अगर जीरो के लेफ्ट में दोनों रूट है, इसका मतलब क्या है? जीरो इज ग्रेटर देन बोथ द रूट, इसका फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? जीरो इज ग्रेटर ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारा केस थर्ड डायरेक्टली हो गया, वेयर माय केस जीरो, क्योंकि क्या था? केस ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो कैसे मैंने डीबग किया इंफॉर्मेशन, फाइनल स्टेटमेंट, देखो क्वेश्चन कैसे भी बनाएगा वो, बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट है ना मेरा, वो किसी ना किसी केस वन से केस फोर तक के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आगे चलकर हम एक दो केस और पढ़ेंगे, वो भी जो केसेस हैं वो नए नहीं है, वो भी इन्हीं जो चार केसेस हैं इन्हीं से ड्राइव करके बनाएंगे हम। अल्टीमेटली हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो केवल चार ही है, उन्हीं के बेसिस पे हम अलग अलग केसेस और ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, इसका मतलब ये किसमें हो गया? ये हमारा के का वैल्यू हो गया, के इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। तो अब हमें क्या वो कंडीशन लगाना है, कौन सी? के अगर दोनों रूट से बड़ा होता है तो क्या होता है कंडीशन? पहले तो ए इंटू एफ ऑफ के, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड द थर्ड कंडीशन इज के अगर दोनों रूट से बड़ा हुआ है तो जो के है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वट एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, दिख रहा है जीरो के लेफ्ट में, तो के इज ग्रेटर देन, के इज ग्रेटर देन वट एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू है के, और इसमें मेरा के क्या है? के इज इक्वल टू जीरो, और ए क्या है? कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो अब हमें ये तीन इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम, जो भी हमारी कॉमन वैल्यूज आएंगी इंटरसेक्शन से जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हम करते हैं इसको कंटिन्यू, तो वीडियो पॉज करके पहले तुम लिख लो, इसको भी लिख लेना ये फ्लो मैंने कैसे बताया। बोथ रूट नेगेटिव मतलब बोथ रूट आर लाइंग ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो, और बोथ रूट लाइंग ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो, इसका फर्दर इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? जीरो इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। ये स्टेटमेंट मेरा एक्जैक्टली केस थ्री का स्टेटमेंट है, के इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स। क्लियर है बच्चों? चलो तो मैं इसको रब कर देता हूं और कंडीशन लगाता हूं। तो पहला कंडीशन मेरा क्या है कि ए एफ के इज ग्रेटर देन जीरो, ए हियर इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो तो ए ही दे रखा है तो ए हो गया, इंटू एफ ऑफ के, मेरे के का वैल्यू कितना? जीरो, तो दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो देखते हैं इससे क्या आता है, ए की जगह ए लिखा और एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? इधर जीरो रखूंगा इधर जीरो, तो ये हो जाएगा थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, तो फाइनली मुझे मिला ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी। ठीक है ना? अच्छा अब मैं ये तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड वाला पे आता हूं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो डी इसका निकालते हैं, तो बी स्क्वायर वाला फोर इंटू ए प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू थ्री, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो पहले तो फोर को गायब कर देते हैं, ये फोर गया तो उनको अगले स्टेप में लिखना है। ठीक है, ये गया, क्लियर है क्या? हाँ ठीक है। अब मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस फोर माइनस थ्री ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इधर से मेरा आया ए स्क्वायर प्लस ए प्लस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखना अगेन थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें जो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन ए वेरिएबल, तो ए का कोफिशिएंट 1 है मतलब पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला अपवर्ड होगा। प्लस इसका डी देखो तुम, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक का डी देखो, तो यू विल सी कि 1 माइनस 16 व्हिच इज नेगेटिव, इसका मतलब दिस इज, इसका मतलब क्या है? डी अगर नेगेटिव आता है किसी क्वाड्रेटिक का और अगर उसका उसके जो सेकंड ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव होता है तो ये क्या होगा हमारा? दिस इज टोटली अबव एक्स एक्सिस। मैं x की क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैंने इससे सॉल्व किया तो एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मिला मुझे a वेरिएबल में, a पैरामीटर में, मैं उसकी बात करूं, दिस इज
क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल, फॉर ऑल ए। और उसने क्या बोला है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, और मैं बोल रहा हूं कि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सो दिस इज माई सेकेंड इनइक्वालिटी का आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा क्या बोल रहा हूं मैं। अब लास्ट थर्ड लिखते हैं, थर्ड वाला क्या था हमारा, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स है क्या था हमारा, देखो पैराबोला बना रहा हूं मैं, जीरो इज ग्रेटर देन बोथ द रूट, तो जीरो ये है, ये अल्फा है, ये बीटा है लेट्स से, और ये मेरा माइनस बी बाई टू है, तो के विच इज जीरो, मैंने बोला के इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू ए, तो के क्या है, जीरो इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ बी, इज माइनस ऑफ टू टाइम्स ए प्लस बी, तो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस टू अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, दिस मस्ट, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले ये टू से टू कैंसिल, तो इधर से मिला ए प्लस टू अपॉन ए इज लेस देन जीरो। अब मैंने इसको सॉल्व करते कैसे, प्लॉट करेंगे रूट्स को, तो माइनस टू एंड जीरो, लेस देन बोला है इसका मतलब बिटवीन द रूट्स, मतलब ऐसे बोल सकते पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फाइनली इनइक्वालिटी थ्री का आंसर क्या आया, माइनस टू से जीरो। अब मेरा दिस इज माई थर्ड इनइक्वालिटी का आंसर। अब हमारा ओवरऑल आंसर क्या होगा, वो वैल्यूज ऑफ ए जो तीनों को सेटिस्फाई करे, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। तो देखो ये तो बोल रहा है ग्रेटर देन जीरो, ये तो चलो ऑल रियल नंबर है, तो इसके इससे तो कोई आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। ए ग्रेटर देन जीरो बोल रहा है, ये बोल रहा है ए लाइन बिटवीन माइनस टू टू जीरो, तो यू कैन सी डायरेक्टली से कि इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाइव। ए की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, ये तो बोल रहा है ए ग्रेटर देन जीरो और ये बोल रहा है ए इज माइनस टू से जीरो। तो या तो तुम प्लॉट करके लिखो या फिर डायरेक्टली विद सिंपल आई की यू कैन से इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाइव, और फाइव का इंटरसेक्शन ऑल रियल वैल्यू के साथ अगेन फाइव। तो हमारा फाइनल आंसर इज, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइव, फाइव मतलब नल सेट, ए की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है सच दैट कि इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स नेगेटिव हो जाए, इसका इंटरप्रिटेशन ये है। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले एक बार दोनों जो रिमेनिंग केस है ना वो और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं एक साथ इलस्ट्रेशन लूंगा, ठीक है ना। चलो तो पहले मैं एक बार रिमेनिंग केसेस बता देता हूं। तो दिस इज माय केस फाइव, और जैसा कि मैंने बोला जो दो केस और हमने पढ़ने वाले हैं दे आर नॉट न्यू केसेस, बेसिकली जो पहले चार केस पढ़े ना उन्हीं से ड्राइव होंगे, तो दिस इज नथिंग न्यू, जो नए हैं वो तो केवल शुरू के चार केसेस है, ठीक है। चलो द केस फोर्थ इज, इफ इफ द इंटरवेल, इफ द इंटरवेल K1, K2 contains both the roots, both the roots, ठीक है, समझ में आया। अब देखो डायग्राम बना लेते हैं, इंटरवेल K1, K2, तो लेट्स से K, अच्छा ऑफ कोर्स जब मैंने इंटरवेल ऐसे लिखा है K1, K2, तो डेफिनेटली K1 इज स्मॉलर देन K2, तो लेट्स से दिस इज माय K1 एंड दिस इज माय K2। अब देखो उसने क्या बोला है, इस इंटरवेल के अंदर दोनों रूट्स आना चाहिए, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज दिस, दो पॉसिबिलिटीज मतलब एक तो ये होगी और इसका एक डाउनवर्ड बना दूंगा मैं, क्या बोलूंगा, एक डाउनवर्ड बना दूंगा, लेट्स से ये मेरा K1 है, ये मेरा K2 है, तो एक डाउनवर्ड बना दिया। तो अब देखो क्या ये थोड़ा कुछ अलग केस है क्या, नहीं ये अलग केस नहीं है, बेसिकली केस थ्री और केस फोर जो पढ़ा है ना उसी को, उसी का ज्वाइंट है ये एक्चुअली। देखो कैसे, सुनना क्या लिखा रहा हूं, देखो केस जो थ्री पढ़ा था हमने, K is greater than both the roots, तो इधर क्या होगा, K2 is greater than both the roots, तो हमारी उधर वाली कंडीशन आ जाएगी कि K2 के रिस्पेक्ट में, K1 is greater than less than both the roots, तो केस फोर्थ हो गया, ठीक है ना, तो उधर केस फोर्थ वाली कंडीशन आ जाएगी, बस हो गया सॉल्व। तो मैंने क्या लगाया, K2 is greater than both the roots and K1 is smaller या lesser, smaller than both the roots, तो ये जो केस लिखा है that is nothing new, that is mix of mixture of बोल सकते हैं केस 3 एंड केस 4। अब हम इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, तो K2 is greater than both the roots, इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, AF, अगर K greater than होता है दोनों रूट से तो हम क्या लिखते हैं, AF K greater than 0, तो इधर क्या आ जाएगा, A into F of K2 is greater than 0, फिर क्या आता था, D greater than equals to 0,
और एक और क्या आता था जो k है, k है वो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से ज्यादा होना चाहिए, तो k2 इज ग्रेटर देन माइनस b बाय 2a। क्लियर है? अभी ये अलोन सफिशिएंट नहीं है, इससे तो मेरा क्या हुआ k2 दोनों रूट से बड़ा आ गया, बट मुझे k1 भी स्मॉलर चाहिए, तो अब इसके रिस्पेक्ट में कंडीशन लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, a f ऑफ k1 इज ग्रेटर देन 0, फिर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, वो ऑलरेडी लिख चुका इधर, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आएगा इधर वैसे, चलो लिख लेते हैं, बट d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड लास्टली k इज लेस देन वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, इधर तो क्या था k2 बड़ा था वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से, इधर k1 क्या होगा लेसर देन वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, तो k1 इज लेसर देन माइनस b बाय 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली हमें कंडीशन देखना, इन दोनों को क्लब करके लिख रहा हूं, तो मैं वीडियो पॉज करके तुम लोग कॉपी करो, मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं। सुनना, मैं क्लब करके लिख रहा हूं, तो देखो ओवरऑल कितनी इनइक्वालिटी बनती है। तो एक ए एफ के वन ग्रेटर देन जीरो, ए एफ के टू ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और जो मेरा के है देखना, ये तो बोल रहा है के ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस बी बाय टू, ये लेस देन माइनस बी बाय टू है के वन, तो देखना क्या लिख रहा हूं मैं, के वन इज लेस देन माइनस बी बाय टू है, और इधर लिख रहा हूं कॉमा के टू इज ग्रेटर देन माइनस बी बाय टू है, या फिर ऐसे लिख लो, इन दोनों को क्लब करके भी लिख सकता हूं। देखो जैसे मैंने बोला, इन दोनों को क्लब करके एक लाइन में लिख सकता हूं मैं, कैसे, मैंने बोला माइनस बी बाय टू ए जो है ना, दैट शुड बी लेस देन माइनस बी बाय टू ए, दैट शुड बी लेस देन के टू एंड ग्रेटर देन के वन। देखो एक बार ध्यान से, इन दोनों को एक साथ मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस बी बाय टू ए वो के वन के टू के बीच में आना चाहिए, दिख भी रहा डायग्राम से, अगर डायग्राम से देखू ये मेरा के वन था, सॉरी के टू था ये, और ये मेरा K1 था, क्योंकि इंटरवल K1 से K2 दे रखा था, K1 छोटा होगा, तो इसके हिसाब से जो वर्टेक्स है दैट इज माइनस बी बाय टू है, वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट दैट इज लाइन बिटवीन K1 एंड K2। तो ओवरऑल मेरे पास कितनी इनइक्वालिटी बनेंगे, एक दो तीन, और या तो ये दोनों सेपरेटली बोलो या इसको एक करके ऐसे लिख लो। अब इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज विल बी माय आंसर फॉर दिस केस, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इसमें हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है, इसमें हमने केस 3 और केस 4 का बेसिकली मिक्सचर था। क्लियर है? क्या था, इंटरवल के वन कॉमा के टू कंटेन बोथ द रूट्स। क्लियर है? चलो अब केस, दिस इज अवर केस फिफ्थ ना, अब हम केस सिक्स कर लेते हैं। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, एंड डोंट वरी, अभी इलस्ट्रेशंस करेंगे ना तो और ज्यादा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। चलो अब मैंने बोला केस लास्ट, केस केस लास्ट इज देखो, इफ द इंटरवल के वन कॉमा के टू कंटेन बोथ द रूट्स, अब मैं बोल रहा हूं if the interval k1 comma k2 is between both the roots, is contained between the roots, is contained between the roots, देखो ध्यान से सुनो क्या लिखा है लैंग्वेज, इसमें उससे पहले क्या था, उस इंटरवल के अंदर दोनों रूट्स आना चाहिए, अब वो बोल रहा है दोनों रूट्स के अंदर ये इंटरवल आना चाहिए। एक बार और, उसमें क्या था, उस इंटरवल के अंदर दोनों रूट्स आना चाहिए, इधर क्या है हमारा, दोनों रूट्स के बीच में ये इंटरवल आना चाहिए, इफ द इंटरवल दिस इज कंटेन्ड बिटवीन द रूट्स, दोनों रूट्स के अंदर ये इंटरवल आना चाहिए। तो सिनेरियो क्या हो गया, लेट्स से ये मेरा पैराबोला है, ये मेरे दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, सॉरी अल्फा एंड बीटा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो इंटरवल है ना पूरा का पूरा k1 कॉमा k2, लेट्स से 1 कॉमा 2 दे रखा है, वो पूरा का पूरा अल्फा और बीटा के बीच में आना चाहिए, तो लेट्स ये मेरा k1 होगा और ये मेरा k2 होगा। क्लियर है? If the interval k1 comma k2 is contained between the roots, तो अब देख रहा है ये भी कुछ नया केस नहीं है, ये नया केस नहीं है, क्यों नहीं है, अब देखो ध्यान से, ये मेरा केस वन है ना, उसी उसी के बेसिस पे है। देखो क्या है, k1 is between the roots, k2 is between the roots, ये तो केस हमारा, ये केस सिक्स है, ये तो केस फाइव से भी आसान है, इधर तो केवल दो ही इनइक्वालिटी बनेंगी। क्या देखो, ये स्टेटमेंट दिया था, इसके आधार पर मैंने ये डायग्राम बनाया, फिर अब मैं इस डायग्राम के आधार पे मैं बोल रहा हूं दिस इज नथिंग बट केस वन को ही मुझे दो बार लगाना है, के वन और के टू पे, क्या लिख रहा हूं मैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू के वन इज बिटवीन द रूट्स डी रूट्स एंड सिमिलरली के टू इज बिटवीन द रूट्स, देखो डायग्राम में, और इसकी कंडीशन तो हमें पता है, के वन बिटवीन द रूट्स होता है तो क्या होता है, ए एफ के वन नेगेटिव होता है, तो ए इंटू एफ ऑफ k1 should be negative and lastly a into second के हिसाब से, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, a into f of k2 should be negative, so intersection of
of these two. These two is my answer. मतलब वो values जो इन दोनों condition को satisfy करे, मतलब क्या है? Intersection ले रहा है. क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे कुल मिला के पूरे छह के छह केस. ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा भी आए इसके बाहर केस नहीं बनेगा, इन्हीं का कुछ मिक्सअप होगा, मतलब कुछ नया नहीं बनेगा. 100% जो भी क्वेश्चन आएंगे लोकेशन ऑफ रूट से वो इन्हीं का मिक्सअप करके आएंगे अगर आए उनके. ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूं, एक जगह एक पेज पे तुम लोग भी लिख लो सारे केसेस. ठीक है ना, मैं लिख रहा हूं एक बार बोर्ड पे, सो दैट एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और एक जगह आ जाएंगे तुम्हारे कंडीशन सारे केस के लिए. ठीक है, सो मैं वीडियो पॉज करके एक बार तुम लिख लो, वीडियो पॉज करके और मैं इसको एक बार सारे केसेस एक बार समरी कर लेते हैं हम. ठीक है, चलो. तो मैंने बोला मैं समरी कर रहा हूं, देखना ध्यान से. पहला केस क्या था हमारा, केस बिटवीन द रूट्स. तो मैं एक जगह लिख रहा हूं, के इज बिटवीन द रूट्स. इसके लिए कंडीशन क्या थी, ए एफ के इज नेगेटिव. क्या थी, ए एफ ऑफ के इज नेगेटिव. फिर हमारा केस टू आया, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन के वन एंड के टू. क्या था, एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन k1 एंड k2. तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या थी, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 इज नेगेटिव. ठीक है, फिर थर्ड वन जो आज पढ़ा था हमने, k1 इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स. तो इसके लिए तीन कंडीशन आती हैं, क्या क्या, एक तो एफ के ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, A f of k should be greater than zero. फिर आता है हमारा d greater than equals to zero. और k दोनों रूट से बड़ा है, इसका मतलब k उस पैराबोला के वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा. तो k is greater than minus b by 2a. So इन तीनों का इंटरसेक्शन. ठीक है, फिर केस फोर और थर्ड तो अलग नहीं था, बस एक लास्ट वाली कंडीशन चेंज हो जाएगी. तो क्या, k लिख लो, इज स्मॉलर देन बोथ d रूट्स. इधर क्या हो जाएगा, ए एफ के ग्रेटर देन जीरो, सिमिलरली d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. बट अब क्या हो जाएगा, k छोटा है दोनों रूट से, तो k क्या होगा, वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट के लेफ्ट में आएगा. तो k इज लेस देन माइनस b बाई टू है. फिर आया हमारा फिफ्थ वन, क्या बताया था, बोथ द रूट्स आर कंटेन इन द इंटरवेल, ऐसे लिख लो नहीं तो, द इंटरवेल k1 कॉमा k2 contains both the roots. तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें थोड़ी ज्यादा कंडीशन, तो मैं तो लिख रहा हूं, देखना तुम्हें लिखना है. एक तो क्या है, a into f of k1 greater than 0, a into f of k is greater than 0. फिर आया d greater than equals to 0, और जो k है, सॉरी वर्टेक्स है माइनस b by 2a, वो क्या होना चाहिए, k1 k2 के बीच में आना चाहिए. सो दिस शुड बी लेस देन k2 एंड k ग्रेटर देन k1. क्लियर है? और जो लास्ट केस था हमारा, दैट इज केस सिक्स, उसमें क्या था, इसमें तो था कि इस इंटरवल के अंदर दोनों रूट्स आना चाहिए. अब ये था कि जो इंटरवल है वो दोनों रूट्स के बीच में आना चाहिए. तो द इंटरवल k1 कॉमा k2, इसमें क्या था, कंटेन्स बोथ द रूट. इसमें दिस इंटरवल इज कंटेन्ड बाय बोथ द रूट, इज कंटेन्ड बाय बोथ द रूट्स, या कंटेन्ड बिटवीन द रूट्स, बिटवीन द रूट्स. तो ये क्या था हमारा, केस टू का ही था बेसिकली. इधर भी अगर तुम्हें लिखना है तो ये लिख लो, केस फाइव में इधर क्या लिखोगे, केस टू एंड थ्री, सॉरी टू थ्री नहीं, थ्री एंड फोर इधर लिख लो. फिफ्थ जो केस बनाए थे वो थर्ड एंड फोर्थ का मिक्स था हमारा केस फाइव. और जो केस सिक्स है, दैट इज बेसिकली केस वन ओनली. वन को ही मैंने दो बार लगाया, के वन और के टू पे. तो क्या आता है हमारा, a f of k1 is negative और a f of k2 is negative. So this is summary for our location of root. तो तुम्हें क्या है, ये देखो, एक तो चीज है कि समझना तो जरूरी है, विदाउट समझे तो लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, अगर तुम्हारा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है. बट साथ ही साथ समझने के साथ साथ तुम्हें एकदम रटा भी होना चाहिए, टिप्स भी होना चाहिए. कोई भी मैंने केस उठाया, यू शुड टेल द कंडीशन. ठीक है ना, चलो. तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. ठीक है ना, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस.